हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। ईद का तीसरा दिन है और हम आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कल का व्लॉग आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और उससे पहले जो व्लॉग मैंने बनाया लाहौर से रावलपिंडी ट्रेन का सफ़र मैंने किया, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, मैं तो हमेशा कहता नहीं होता, सब्सक्राइब करना अगर आपका दिल करे तो ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आज के व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं तकरीबन दिन 12 बजने वाले हैं। और आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, तो व्लॉग शुरू करते हुए मुझे खुद अपने आप को ज़बरदस्ती बूस्टअप करना पड़ता है, ताकि मैं ज़रा अभी भी आपको मेरी वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माजरत। डेली व्लॉग्स में ये होता है कि आपको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी तब होती है जब आपकी सेहत ठीक होती है, तो सेहत ना होने की वजह से एनर्जी लेवल डाउन है। डेली व्लॉग्स आ चुके हैं, पिछले 3 दिन से हम व्लॉग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज भी व्लॉग बनाया जाएगा, और अगले 1 साल के लिए इंशाल्लाह अगले रमज़ान अल मुबारक तक हम व्लॉग बनाने वाले हैं। ये चैलेंज है, शायद आपको नहीं पता, तो चुपके से हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। रमज़ान से पहले जो 3 महीने थे, जनवरी 1 से लेकर जब रमज़ान का पहला रोज़ा था, तब तक हमने तकरीबन 90 दिन मुसलसल वीडियोज व्लॉग्स बनाए हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ स्टोरीज पर। और इंशाल्लाह आज से, मतलब पिछले 3 दिन पहले जो मैंने व्लॉग शुरू किया था, ईद के पहले दिन से कह लें कि उस दिन से लेकर फिर हम इंशाल्लाह अगले साल रमज़ान और मुबारक तक मुसलसल वीडियो बनाने वाला, और इंशाल्लाह ताला तब तक हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। पीछे फूल खिले नज़र आ रहे हैं, तो इसका जिक्र मैंने, मेरे अगर आप व्लॉग्स पीछे से देखते आ रहे हैं, आप डेली व्लॉग देखते आ रहे हैं, तो मैंने जिक्र किया था कि बाहर की निशानी ये होती है कि जब हमारे घर में इस तरह के फूल खिल जाएँ, इस तरह के, मतलब इस पौधे पे इस तरह के फूल खिल जाएँ, तो ये पिंक कलर के फूल आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत लगते हैं। कुछ गिर चुके हैं, मतलब अभी बाहर थोड़ा सा, बाहर से हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, मई का महीना शुरू हो चुका है और अब गर्मियां आने लगी हैं। कल बारिश थी, कल तक मौसम ठंडा था, ईद का दूसरा दिन था, आज ईद का तीसरा दिन है, और धूप बिल्कुल इस तरह चमक रही है, और इस तरह तप रही है, मतलब गर्माइश इतनी ज़्यादा आ रही है कि भाई हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो अभी वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद हम फ़ौरन से छांव में जाएँगे, ताकि हम जुलूस ना जाए इस गर्मी में। इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कोई दिन मिस ना किया जाए, और रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग बनाया जाए। सो प्रे फॉर मी, और हाँ, लाइक छोड़ के जाइएगा अगर यहाँ तक आपने देख लिया। अभी व्लॉग अभी बाकी है, पूरा दिन बाकी है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम वो भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम अहम गुफ्तगू आपसे 2-3 मिनट की हमने करनी थी, कि अब हम पहले क्या कर रहे थे और अब आपके आगे क्या करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और रोज़ाना आया करें व्लॉग देखने के लिए। टाइमिंग हम आगे पीछे करेंगे थोड़ी सी व्लॉग अपलोड करने की, और आप मुख्तलिफ अवकात में देख सकते हैं, मतलब मैं सुबह अर्ली अपलोड कर दिया करूँगा, आपको दिन भर में जब भी वक्त मिले आप वो व्लॉग देख सकते हैं। और व्लॉग हमारा हुआ करेगा तकरीबन 10 मिनट का, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का होगा। अगर ट्रैवल व्लॉग बनाएंगे हम, इंशाल्लाह कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, और डेली व्लॉग्स में गाँव के चक्कर भी लगाएंगे, कुछ जो मामूला ज़िंदगी होंगे हम आपको दिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टोरीज़ में, रियल लाइफ स्टोरीज में, तो जुड़े रहिएगा। और मेरा नाम हसन है, तो आप देख रहे हैं हसन है ब्लॉग्स। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, बात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई बर्दाश्त कर लीजिएगा। हुआवे कौन सा भैया, कौन सा हुआवे? Y9S इन्फिनिक्स कौन सा भैया? R10। अस्सलाम वालेकुम, इन्फिनिक्स कौन सा? इन भाई साहब को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, कौन सा इनका? सैम है, सेम। अच्छा, R10। हाँ भाई जान, जरा उस तरफ आप, स्पेशल गेस्ट हमारे वहाँ पर, ये बाकी सब आ चुके हैं, ये कल के ब्लॉग में आ चुके हैं। मुर्गा बोल लिया, मेरी बारी है, कि दिन शुरू हो चुका है, बताया था 12 बज रहे हैं और मेहमानों की आमद शुरू है। स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, जिनका मैं पिछले 2-3 दिन से इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छी आ चुके हैं। भाई जान आप आ जाए करें, बुलाना ना पड़ा करें। अब वो छांव में जाकर खड़े, मैं धूप में खड़ा हूँ, धूप में इसलिए खड़ा हूँ कि मैंने व्लॉग बनाना है। अब उनका कहना ही है कि मैं धूप में नहीं आ रहा। भाई जान इधर तो तशरीफ लाते हैं आप सबकी तालियों में, भरपूर तालियों में, मिस्टर दिशान। थोड़ा ऊँचा भाई जान, मैं कैमरा। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। तो दिशान आ चुके हैं, और ये आज आ चुके हैं हमारे पास, और हम बड़े दिल की अथाह कह रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं अपने व्लॉग में भी और अपने घर में भी। तो पीछे मुर्गे बोले जा रहे हैं, उन्हें बोलने देते हैं, हम चुप हो जाते हैं, और अभी हम तस्वीर बनाएंगे कुछ, दैट्स इट। हाँ, फोटो शूट करने लगे हैं, बाकी सब वो जो बैठे हैं वो पीछे आपको मैंने दिखा दिया, अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं। सो है मुबारक सर भाई ने, बहुत दोबारा सर टेक
क्या है, इफ्तिखार भाई ने नया बाइक लिया है, बहुत फ्री बहुत फ्री मुबारक। फ्री नहीं कितने का लिया भैया? ना फ्री फ्री लिया फ्री माशाल्लाह, फ्री इनका बाइक खड़ा है इफ्तिखार वहाँ सामने यार, वो, मैं बांट रहा हूँ और यहाँ पे फ्री प्राइस पूछी पाकिस्तान जा रही है। वालों ने दिया है, फ्री जी तो पाकिस्तान से मिला आपको भाई जान, फ्री माशाल्लाह। इसकी आवाज़ सुनेंगे जब आवाज़ से लगेगा जैसे मौत के, फरिश्ते बात करें नहीं नहीं फौज के कुएं में बजा। ये तो बड़ी सच तस्वीर बोल कैसी रहे हो हो, चुकी है सच इस ही पौधे के साथ, यहाँ नीचे बैठ निकाल के, एक यहाँ बैठ के बनाई गई दिया है, एक यहाँ बैठ के बनाई गई है गाड़ी के मैं। ऊपर, अभी गाड़ी सब चल रही है इसकी छाँव में। और पौधों कल को मैं यही तो घुमा के मज़ा लाया होता था है शांति, कि छाँव ओ देते हैं, कहां गया इतनी तेज आपका धूप है, सरप्राइज, लेकिन जैसे हम पौधे के नीचे ये आते हैं पहले ही नहीं तो बड़ा समझ ही में आया खूबसूरत सा कि जो है वो पहले व्यू तुम आता है, सारे दूर हो व्यू के साथ फिर साथ मैं दूर हूँ, छाँव भी मिलती है। तो अभी ये आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हो, आप देख रहे हैं यहाँ बैठने वालों में, और यहाँ पे बैठ के हमने एक तस्वीर ली है। इस तरफ भी आपको गाड़ी नज़र आ रही है, इस तरफ भी, नाम तो मुझे नहीं आते हैं गाड़ियों का, दुआ लेकिन करने मतलब लगे हैं ये तो कंपनी आगे टोयोटा है बढ़ते और हैं। ये डाटसन है आई थिंक भाई जान, इस कंपनी का क्या नाम है इस गाड़ी की? मैं कह रहा था निशान, इस ये कौन सी गाड़ी ये जी टोयोटा से अलग, है? टोयोटा, ये भी हाँ टोयोटा है। पुराना था ये हाँ तो, ये भी सात टोयोटा है जी, मॉडल इस तरफ जो खड़ी है और इस सुपर तरफ भी टोयोटा है, और मॉडल हमारे राजा जी की सात गाड़ी भी आई है आज, आप वो भी देखें सामने खड़ी है, मॉडल और सुजुकी डायवर्जन ज्यादा नहीं तो कल्टस। कट दिया कौन सा मॉडल जनाब? मॉडल ही पूछते हैं। अच्छा नहीं पूछते। तो ये जनाब ये भी आई हुई है आज, और ये वाली मॉडल, ये वाला मॉडल भी आया हुआ है आज हमारे पास, ये रोल मॉडल है, और वो जो है वो 2005 मॉडल बना ले। कुकर कल भी दिखाता। अरे क्या बात है, मतलब मैंने जैसे नाम लिया उसका, उसने जो है वो मुझे जवाब दिया। ये रही जनाब की गाड़ी, जनाब ने जो वो न्यास्ती कर लगा लिया, मारखोर, क्या बात है ना। आई एस आई भैया ना, आई एस आई से कोई नई मॉडिफिकेशन, कोई नई चीज विच यू कैन शो टू द वर्ल्ड। यार दिखना रहा है ये गन, और यहां दिखना ये जरा ये जीता उसका क्या मॉडिफाइड ने डीलर में आ गया मानना था मोटरसाइकिल से ये पहले मेरे वीराना मुंह गिर रहे जाने का किसी का भी ही फिरान। अब्दुल्ला एबल रुते एबल क्यों, क्या हो गया? रुते ना रुक गया हूँ मैं, रुक गया हूँ। ओए हो, ईदी दिखा रहे हो, कितनी होगी है, कितनी ईदी होगी बताओ? 200 200 यार, थोड़ी हुई है ना यार। ओए हो, 200 मैं पिस्तौल लूंगा ओए बस इधर बात सुनो, सबको ईद मुबारक बोलना, सबको ईद मुबारक बोलो। ये लिए नहीं, आप पहले बताओ ईद मुबारक, ऐसा वो बोलो ईद मुबारक। ये ची तुरी, आप इससे पहले देखा करते थे, यहाँ पर भी फसल होती थी, यहाँ पर भी होती थी, सरसब्ज, हर जगह सरसब्ज होती थी, सरसब्ज होने की वजह से खूबसूरत लगती थी। अब क्योंकि सब कुछ काट दिया गया है चारों तरफ, अब अगर आप देखें तो कटाई हो चुकी है, गंदम हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, भूसा भी घरों तक पहुंच चुका है, बल्कि मवेशियों के पेटों तक पहुंच चुका है। तो तकरीबन महीने का वक्त गुजर चुका है, उसके बाद हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो महीने की छुट्टी हमें थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, क्योंकि हम ये नज़ारे नहीं दिखा सकते बाप, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से नज़ारे ऐसे हैं जो दिखाएंगे नहीं तो हम कहीं सफात कलाम चले जाएंगे। और अब ये फ़ायदा हो गया है कि जो माल मवेशी हैं वो आराम से अब चर सकते हैं, वो खुले लोगों ने खुले छोड़ दिए हैं, और वो इस तरह घूम सकते हैं, जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, अब वो आज़ाद हैं। भाई जन हमारे वो खड़े में, और एक बार फिर से हमारी ईद जो है सो के गुजरी है, बीमारी की वजह से, लेजीनेस की वजह से, लेकिन फिर भी एक रूटीन बन गई सोने की, गर्मियों में मेरी रूटीन हुआ करती है, तो आप भी उसी रूटीन को फॉलो किया, अब क्या हो सकता, सोना तो लाजमी है। सूरज ग़ुरूब हो चुका है और रात होने वाली है, मैं निकला था ज़रा वाक के लिए, वाक हमारी हुई मुकम्मल, खेत तो अब रहे नहीं हरे भरे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द दोबारा काश्त होंगे, अब नई फसल देखेंगे इधर, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह। और चंदा मामू निकल आया,